हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जॉब अपडेट आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 के अंदर आपकी कौन कौन सी जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आ सकती हैं या आएंगी जो कन्फर्म है वही बात करेंगे कि ये वैकेंसी तो आपकी आएंगी ताकि जो है आप प्रॉपर उन वेकेंसीज़ की तैयारी कर सको ठीक है लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैनल के बारे में बता दूँ क्योंकि ये चैनल जो है बिल्कुल न्यू चैनल है और ये वीडियो जो है बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है इस चैनल की क्योंकि इससे पहले जो है मैं एन एस क्लासेस पे आपको बताती थी, थी जॉब अपडेट के लिए लेकिन बहुत सारे बच्चे कहने लगे कि मैम जॉब अपडेट के लिए आप एक नया चैनल बना लीजिए ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो ठीक है तो इसी वजह से मैंने ये नया चैनल बनाया है क्योंकि एनएस क्लासेस पर मैं आप सभी को पढ़ाती हूं टी जी टी पी जी टी कंप्यूटर साइंस की मैं वहां पर प्रिपरेशन करवाती हूं ताकि वहां पर प्रॉपर प्रिपरेशन चलती रहे और यहाँ पर जो है हम जो है कंप्यूटर की जो भी अपडेट आती है चाहे वो प्राइवेट आए चाहे वो गवर्नमेंट आए चाहे वो टीचर की चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की चाहे किसी भी आई सेक्टर में कहीं पर भी आए इस चैनल पर जो है मैं आपको प्रॉपर जो है अपडेट uh, दूंगी ताकि जो है आप एक अच्छी खासी जॉब ले सको ठीक है तो आई होप आपको पूरा सिनेरियो क्लियर हो गया होगा कि क्यों जो है ये चैनल जो है यहाँ पर क्रिएट किया गया है ताकि जो है आप लोगों को हर चीज जो है वो अलग अलग तरीके से मिल सके ठीक तो है तो कंप्यूटर जॉब अपडेट है तो ऑब्वियसली हम यहां पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब के ही बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी कब आ सकती है और जो है कब आने के चांसेस हैं ताकि जो है आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सको ठीक है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली वैकेंसी की ठीक है तो पहली वैकेंसी की बात कर लेते हैं और जो पहली वैकेंसी आने वाली है वो आने वाली है आपकी डी के अंदर डी ट्रिपल एस के अंदर ठीक है तो यहाँ पर जो आपकी कंप्यूटर की वैकेंसी आएंगी Uh, एक तो आपकी वैकेंसी देखो ऑलरेडी आ चुके हैं 2020 के अंदर फॉर्म भरे जा चुके हैं और जिसका एग्जाम जो ऑलरेडी अभी सरकार ने uh, uh, मंथ भी बता दिया था कि भाई मई जून और जुलाई के अंदर इन तीन महीनों के अंदर आपका एग्ज़ाम होना था लेकिन ड्यू टू कोविड जो है एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है ठीक है लेकिन उसके साथ ही डी ने अनाउंस कर रखा है कि अभी मई और जून में जो है आपकी वैकेंसी नई वैकेंसी आएंगी ठीक है डी के अंदर और जिनका एग्ज़ाम जो है वो फिफ्टीन जैन को होगा ठीक है तो जो अभी नई वैकेंसी आएंगी उसके लिए आपको जो है तैयारी करनी है क्योंकि इनका तो एग्ज़ाम भी फिक्स है कि भाई पंद्रह जनवरी को एक आपका एग्ज़ाम होगा तो जिन बच्चों ने 2020 का फॉर्म नहीं भरा था जिन बच्चों ने दो ध्यान से सुनना जिन बच्चों ने दो का फॉर्म नहीं भरा था वो अभी मई जून में जो वैकेंसी आएंगी आप उनका फॉर्म भरो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात हो रही है ठीक है बाकी अदर वैकेंसी भी आएंगी अदर सब्जेक्ट्स की ठीक है तो टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो है आप फॉर्म भरना और 15 जनवरी को जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो पहली वैकेंसी जो आपके आने वाली है वो डेली के अंदर आने वाली है और अप, जो है अगर आप डेली में टीचर बनना चाहते हैं सैलरी स्ट्रक्चर जो है टीजीटी पीजीटी टीचर का काफ़ी अच्छा खासा होता है तो अगर आप चाहते हैं और इस जॉब का वेट कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है बहुत अच्छे से जो है आप तैयारी के साथ शुरू कर सकते हो ठीक है उसके बाद सेकेंड वैकेंसी की हम बात करें ठीक है सेकेंड वैकेंसी की हम बात करें तो सेकेंड वैकेंसी आने वाली है आपकी एच एस यानी कि हरियाणा के अंदर ठीक है एच एस एस स्क्रीनिंग का एग्जाम ऑलरेडी जो है काफ़ी टाइम से लटका हुआ है भाई ठीक है काफ़ी टाइम से लटका हुआ है जो कि 2019 में आपकी वैकेंसी आई थी और जो है 2020 में जिनको आ, जो है वापस से री रीएडवर्टीजमेंट री एड कर दिया गया था वापस से जो है फिर से फॉर्म भरवाए गए थे ठीक है लेकिन जो है 2020 के एंड में आपका फिर से एस्टेट हो गया और जिसकी वजह से फिर से कह रहे हैं कि ये जो वैकेंसी है फिर से री ओपन होंगी ठीक है फिर से री ओपन होंगी तो जिन बच्चों ने एस्ट्रेट क्वालिफाई किया हुआ है और दो का और फॉर्म भरना चाहते हैं जॉब का वेट कर रहे हैं तो एक वैकेंसी आपकी यहाँ पर ये भी है अब देखो दो का आपका एस्टेट होता है या उससे पहले इनका एग्जाम ले लिया जाता है वो तो गवर्नमेंट के ऊपर है लेकिन अगर 2021 का एस्टेट भी हो जाता है तो उन बच्चों को भी यहां पर फायदा मिलने वाला है तो अगर आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी अच्छे से करो ताकि आप जो है जो है है का एग्जाम ही क्लियर कर दो और एक अच्छी खासी जॉब ले लो ठीक है तो सेकेंड वैकेंसी थी आपकी हरियाणा के अंदर और हरियाणा में अगर आपको जॉब लेनी है अगर आप आउटसाइडर भी हो तो आपको जो है पहले एस्ट्रेट क्लियर करना पड़ेगा आउटसाइडर हो तो आपको हरियाणा में एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा चाहे आप अपने स्टेट में चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो ठीक है अगर आप एस्टेट क्लियर कर जाते हो तो बिल्कुल आप एच एस पीजीटी स्क्रीनिंग का फॉर्म भर सकते हो और जो है यहाँ पर भी जो है एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो ठीक है तो सेकेंड वैकेंसी थी आपकी एच एस पीजीटी स्क्रीनिंग की ठीक है अब हम थर्ड वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो कि आपकी राजस्थान के अंदर है ठीक है थर्ड वैकेंसी जो है वो आपकी राजस्थान के अंदर है और राजस्थान में भी जो है काफी टाइम से बोला जा रहा है कि भाई कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएंगी और ये जो वैकेंसी है देखो अभी तो होल्ड पे हैं नोटिफिकेशन देखो अभी कोर्ट का ऑर्डर आया कि 16 जुलाई को इनकी सुनवाई होगी कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्चुअल कैसे आएंगी ठीक है उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा लेकिन राजस्थान में भी जो है कंप्यूटर की वैकेंसी आएंगी और ये जो वैकेंसी है ये आपकी थर्ड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की होंगी ठीक है तो थर्ड और सेकंड ग्रेड के होंगी लेकिन वैकेंसी ज़रूर आएंगी इसी साल जो है इनका नोटिफिकेशन आएगा और शायद एग्ज़ाम भी हो जाए तो देखो तीन वैकेंसी हो गई आपकी पहली है डेली फिर है हरियाणा फिर है राजस्थान ठीक है अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ वैकेंसी के बारे में ठीक है जो कि ऑलरेडी आ चुकी है और अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फॉर्म भर देना चाहिए ठीक है तो फो, जो हम फोर्थ वैकेंसी की बात कर रहे हैं वो है आपकी ई एम आर एस के अंदर ठीक है कहाँ पर है भाई ई एम आर एस के अंदर इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ठीक है क्या है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और ये जो स्कूल है स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया गया है जो पिछड़ी जनजाति के बच्चे हैं जो ट्राइब्स में आते हैं ठीक है थीके? तो इसकी जो वे इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो तीस अप्रैल थी लेकिन अब जो है इसको एक्सटैंड करके जो है इकतीस मई कर दिया गया है तो यहाँ पर भी जो है कंप्यूटर की काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम भाई यहाँ पर आप जो है एक फॉर्म भरें और एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं बस यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं सपोज देखो हरियाणा में तो कोई वैकेंसी नहीं है एम में अच्छी खासी वैकेंसी है और आई थिंक राजस्थान में भी कोई वैकेंसी नहीं है मतलब जहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है अच्छी खासी वैकेंसी हैं तो जिस भी स्टेट में आपकी वैकेंसी है जैसे जहाँ पर भी कंप्यूटर की वैकेंसी है आपको उस स्टेट का डोमेसाइल होना चाहिए ठीक है अगर आपके पास डोमेसाइल है तभी आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट डोमेसाइल जो है आप इनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर कंडीशन ये हो जाती है अगर आपके पास डोमेसाइल भी है और आपके स्टेट की वैकेंसी भी है तो आपके लिए जो है

फिफ्थ वैकेंसी जो है वो आपकी केवीएस के अंदर आने वाली है ठीक है केवीएस के अंदर आने वाली है और केवीएस की देखो प्रोसीजर है कि फिक्स है भी हर दो साल में वैकेंसी आती है ठीक है लेकिन 2018 में ये वैकेंसी आई थी 2020 में आनी आनी थी लेकिन ड्यू टू कोविड नहीं आ पाई पूरा पूरा चांसेस था कि भाई 2021 के मार्च में ये वैकेंसी आ जाएंगी लेकिन अभी तक नहीं आई है लेकिन जो है वैकेंसी आएंगी कंफर्म है क्योंकि तीन साल ऑलरेडी उड़ेड, हो जाएंगे और केवीएस का प्रोसीजर हमेशा फिक्स रहता है कि जैसे ही वैकेंसी आएंगी उनके विद इन थ्री टू फोर मंथ जो है एग्जाम ले लिया जाता है और देन जो है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है ठीक है तो दो का एंड जो है शायद आपका केवीएस की वैकेंसी को भी लेकर आए तो आप देख सकते हो पांच पांच बड़ी भर्तियां हैं जो कि आने वाली हैं अगर आप एक अच्छे वाली अच्छे वाली प्रिपरेशन करते हो तो जो है आप इन सब के अंदर एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हो ठीक है टोटल फाइव अपडेट दी है करवा हूं, दिये, दिये भी में आपकी वैकेंसी आने वाली है सेकेंड जो है आपकी एच एस एस सी पीजी ओपन हो सक होगा ठीक है कन्फर्म है ठीक है उसके बाद जो थर्ड है वो हमने देखा आपका राजस्थान के अंदर ठीक है फिर हमने देखा और लास्ट है आपका केवीएस ठीक है तो ये पांच वैकेंसी हैं और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इतनी अच्छे से शिद्दत के साथ करो कि 2021 जो है आपके लिए एक जॉब लेकर आए क्योंकि कंप्यूटर वाले बच्चे वैसे ही बहुत धक्के खाते रहते हैं क्योंकि वैसे ही जो है उनके लिए प्रॉपर जो है परमानेंट जॉब नहीं निकालती है सरकार लेकिन जहां पर निकली हुई है तो आप उनके लिए अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो और एक अच्छी खासी जॉब लो ठीक है तो चलिए अभी क्लास को खत्म एक करते हैं ख़त्म अगर आपको ये वाला चैनल भी पसंद आता है और अच्छा लगता है अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करें ठीक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि जो बच्चे कंप्यूटर के हैं उनको पता चल सके कि कब कंप्यूटर की वैकेंसी आ रही हैं कब नहीं आ रही हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे तो इसी उसमें रह जाते हैं कि कंप्यूटर की वैकेंसीज का पता ही नहीं चलता ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तो फिर मिलेंगे ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू